नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। बरेली में लाइट मेट्रो का ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बरेली में लाइट मेट्रो परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। बरेली जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट तक दो रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। कमिश्नर संयुक्ता समद्दार, BDO उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, सचिव योगेंद्र समेत अधिकारियों के सामने कंसल्टेंट राइड्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। प्रथम कॉरिडोर में जंक्शन से चौकी चौराहा, सेटेलाइट, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी होते हुए फन सिटी तक मेट्रो दौड़ेगी। दूसरा कॉरिडोर चौकी चौराहे से कुतुबखाना, कुहाड़ा पीर, DDपुरम होते हुए आईवीआई रोड का प्रस्ताव दिया गया है। कमिश्नर ने मेट्रो परियोजना में शहर के मुख्य पॉइंट 300 बेड हॉस्पिटल, कर्मचारी नगर, मिनी बाईपास, सुभाष नगर, किला चौराहा, कुदेशिया फाटक, इज्जत नगर, रेलवे स्टेशन को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। 17 जनवरी को मेट्रो परियोजना के संबंध में दोबारा बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनाए जा रहे नाथ मंदिर कॉरिडोर में अलकनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, बनखट्टीनाथ, त्रिवटीनाथ मंदिर को जोड़कर नाथ मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव सिटी डेवलपमेंट प्लान में दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे उत्तरायणी मेले का उद्घाटन। बरेली क्लब मैदान में 13 जनवरी से 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला लगेगा। मेले की शुरुआत रंग यात्रा के साथ होगी। रंग यात्रा को कैंट विधायक संजीव अग्रवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसका समापन मेला ग्राउंड में होगा। मेले का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों होगा। उनके बरेली आने का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी जारी हो गया है। देखिए मेले को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने क्या बताया। किस किस दिन कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व हमारे पूरे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हमारे उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ मेले का आयोजन करते हैं। इस बार का मेला हमारा 27वां मेला है। 2 बार कोरोना के कारण हम लोग मेले में की सेवाएँ नहीं दे पाए लोगों को, और हमारे यहाँ जो है लगभग 150 स्टॉल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, और सारे स्टॉल हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें उत्तराखंड की संस्कृति की चीज़ें हों, सामान उत्तराखंड का हो, चाहे दालें हों, चाहे वहाँ की जूस हैं, उसके अलावा वहाँ की बाँस का अचार है, बहुत चीज़ें हैं उत्तराखंड की जो देखने को यहाँ पर मिलती हैं, लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। इस बार क्या विशेष रहेगा? विशेष हमारा ये सारी चीज़ें हैं और इसमें साथ में हमारा छोलिया नृत्य है जो हमारा विशेष आकर्षण केंद्र रहता है। हमारा रंग समाज है, एक थोड़ागढ़ के रहने वाले निवासी है, उनका भी नृत्य है और उसके अलावा सांस्कृतिक टीमें हमारी उत्तराखंड से आ रही है। ये छोलिया नृत्य आपने बताया, ये क्या है थोड़ा सा अगर बरेली वासियों के लिए समझना चाहें? आर्मी का बैंड भी हमारा विशेष है और जहाँ तक छोलिया नृत्य क्या शब्द देखिए छल से निकला है, ये एक समय की बात है जबकि हमारे लोगों पे जब कभी बाहर आक्रमणकारियों ने हमला किया था तो उनको छल से मारा गया था, नृत्य के रूप में करते हुए गए थे वो लोग और तब छल से उनको मारा था, तब से उसका नाम छोलिया नृत्य। रंग यात्रा 1:30 बजे से वो 10:30 बजे से हरी झंडी दिखाएंगे माननीय विधायक कैंट संजीव अग्रवाल जी, बरेडी वो अम्बेडकर पार्क कोतवाली के सामने से हरी झंडी दिखाएंगे, वहां से चलते हुए हम लोग अयोध्या चौराहे होते हुए, चौकी चौराहे होते हुए, सरकार चौराहे से होते हुए बरेडी क्लब में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। MLC चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कराया नामांकन। बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों को मिलाकर बनाई गई MLC सीट के लिए इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बुधवार को रोमी सागर ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराया। बरेली कमिश्नर और चुनाव की रिटर्निंग ऑफिसर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि प्रत्याशी 12 जनवरी तक अपने नामांकन करा सकते हैं। होटल पर सिपाहियों में दंगल सस्पेंड। बहेड़ी में होटल पर 2 सिपाहियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई। इंस्पेक्टर और CO को फोन पर जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों सिपाहियों को पकड़वा लिया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे की जमकर किकरी होने लगी। दोनों सिपाहियों को SSP अखिलेश कुमार चौरसिया ने सस्पेंड कर दिया है, साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। कलेक्ट्रेट में 10 दिव्यांगजनों को वितरित करी गई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट में 10 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दी गई। जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि
शासन ने 180 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल देने का लक्ष्य दिया था। 10 लोगों को ट्राई साइकिल वितरित कर दी गई है। आगे अनपात्र लोगों को भी ट्राई साइकिल दी जाएगी। उधर इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। योगेश पांडे, मैं जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, दिव्यांग संरक्षण अधिकारी बरेली। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में 10 लोगों को आज डीएम साहब के माध्यम से दिलवाने का हम लोगों का लक्ष्य है। बाकी हमारे पास आवेदन आ चुके हैं, सबका चिन्हांकन हो चुका है और जैसे जैसे डिलीवरी आएगी हम लोग जो है बंटवाते रहेंगे। यहाँ पे 10 ई रिक्शा यहाँ पे ये दिलवाने का लगभग हमारी 50 की लगभग बढ़ चुकी हैं। बाकी जैसे जैसे हमारे पास डिलीवरी आती है और हमारा चिन्हांकन हो चुका है तो हम लोग ये इसका ऑनलाइन जो है सिस्टम है, ऑनलाइन में आप आवेदन करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल लगेगा इसमें। तो उसके बाद एक बार चिन्हांकन करवाते हैं इसमें CMO साहब और ARTO साहब, हम मिलके बैठ के चिन्हांकन करते हैं कि ये पात्र है। इसकी पात्रता ये है कि 80% दिव्यांग होना चाहिए। 80% जिनका सर्टिफिकेट बना होगा उसको उसी को ये मिलेगी, सबको लिए ये नहीं आई और सीमित मात्रा में आई है, इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है। जितनी हमारे पास आई थी हमने चिन्हांकन कर लिया है, समय में जैसे डिलीवरी आएगी इनको हम बटवा। बरेली की छात्रा से राजस्थान में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। बरेली की एक छात्रा मानव तस्कर गैंग का शिकार बन गई। राजस्थान में सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर को बड़ा बाजार निवासी BA की छात्रा घर से नाराज होकर चली गई थी, जिसे मानव तस्कर गैंग के अजय और फूलवती बहला फुसलाकर राजस्थान ले गए। 7 जनवरी को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला में उसका सड़ा गला शव मिला। राजस्थान पुलिस ने बताया कि आरोपी घर से नाराज होकर आए बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। मुस्लिम युवक ने मंदिर में लड़कियों को छेड़ा, जमकर हंगामा। थाना जत नगर के सैदपुर हॉकिंस निवासी 2 युवतियां बुधवार को अलकनाथ मंदिर दर्शन करने गई थी। उनका पीछा करते हुए इलाके में रहने वाला मोहम्मद अकील भी मंदिर पहुंच गया, जहां उसने दोनों युवतियों से छेड़छाड़ करी। युवतियों के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसने बचने के लिए अपना नाम मन्नू बताया। शक होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गई तो हिंदू जागरण मंच के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर घेराव किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। अलाव ताप रही बुजुर्ग महिला की जलने से मौत। आंवला थाना क्षेत्र के गाँव मनौना में अलाव तापते समय 65 वर्षीय सैदा की जलने से मौत हो गई। धुआं उठता देख ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। जब तक लोग कमरे के अंदर पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला अपने बेटे सादिक और पुत्र वधु के साथ गांव में रहती थी। घटना के वक्त बेटा सादिक मजदूरी करने आंवला गया था, जबकि उसकी पत्नी राशन लेने गई थी। गद्दी कब्जाने के लिए चेले ने करी थी गुरु की हत्या। फरीदपुर के मोहल्ला परा स्थित शमशान भूमि में अघोरी बाबा भूषण नाथ की हत्या उनके ही चेले ओमकार नाथ ने की थी। दरअसल ओमकार नाथ ने गद्दी कब्जाने के लिए बाबा का कत्ल किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि मंगलवार सुबह बाबा का खून से लथपथ शव शमशान भूमि में बने कमरे में मिला था। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी अन्य अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।